नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनम जेएनएम जो नर्सिंग भर्ती है 2018, उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सुबह की राम राम। और इसके अलावा दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको देख लेते हैं एक बार, क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो ये जो आदेश निकाला गया है नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 को लेकर के है, इसमें बताया गया है नर्स ग्रेड द्वितीय को तबादला आदेश की पालना में कार्य मुक्त करने के आदेश दिए। दोस्तों, रेट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि नर्स ग्रेड द्वितीय जो तबादला आदेश की जो पालना है उसको कार्य मुक्त करने के ये आदेश दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर से आदेश निकाला गया है। इसमें बताया गया है तबादला किए जाने के बावजूद भी कार्य मुक्ति नहीं किए जाने के मामले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट ने गुहाला निवासी रेखा सैनी, जो कि अपील पर सुनवाई कर तबादला आदेश की पालना में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता संदीप कलवानिया के जरिए दायर की गई अपील में बताया कि प्रार्थी की नर्सिंग सीधी भर्ती 2018 के तहत नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के पद पर जैसलमेर में नियुक्ति हुई है। जैसलमेर में इनकी नियुक्ति हुई है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश ने 27 जुलाई को आदेश जारी कर जैसलमेर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिक्कर के अधीन तबादला किया गया था, लेकिन आदेश में शर्त लगा दी कि नर्सिंग भर्ती 2018 में ये आदेश प्रभावी नहीं होगा। इस शर्त के कारण विभाग ने उन्हें कार्य मुक्त करने से इनकार कर दिया और कलवानिया ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि विभाग ने तबादला आदेश की शर्त संख्या 1 शिथिलता देकर अन्य नर्सिंग कर्मियों को छूट देकर तबादला आदेश की पालना में कार्य मुक्त किया जा चुका है, लेकिन विभाग प्रार्थी को कार्यमुक्त करने से भेदभाव नीति अपना रही है जो कि विधि विरुद्ध है। प्रार्थी ने अधिकरण के समक्ष 27 जुलाई 2021 के तबादला आदेश की पालना में कार्यमुक्त करने एवं आदेश की शर्त में शिथिलता देने की गुहार लगाई थी। इस पर अधिकरण के सदस्य जगरूप सिंह यादव एवं मातादीन शर्मा की बेच ने अपील को स्वीकार कर प्रार्थी की ओर से कार्यमुक्त होने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विभाग तबादला आदेश की पालना में 7 दिन में कार्यमुक्त करने के जारी करने आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मामला है, नर्सिंग ग्रेड द्वितीय भर्ती का मामला है और ये निवासी है रेखा सैनी, इनको कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं और इनको जल्द से जल्द जिनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिक्कर इनका पदस्थापन हुआ है, नव पदस्थापन है, तो जल्द से जल्द इनको कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट ने, तो दोस्तों बड़ी अपडेट, तबादला आदेश को कार्यमुक्त करने को लेकर के अपडेट था नर्सिंग ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 को लेकर के। और जैसे ही कोई अन्य अपडेट होगा नर्स श्रेणी द्वितीय भर्ती 2018 को लेकर के, तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।